हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एस के कैरियर पॉइंट। दोस्तों, आप सबको नर्सिंग की और NHM की जितनी भी अपडेट रहती हैं सबसे पहले बताते आए हैं। और आज की नई अपडेट है दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों हर एक स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस हैं। और आज जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन चुके हैं उनके लिए यहाँ पर दोस्तों बुरी खबर है। और इन राज्य के CHO के लिए ये सभी के लिए नहीं हो सकती दोस्तों। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं जो कि एक स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है, जो विलेज लेवल पर एक महत्वपूर्ण योगदान देता है डिजीज कंडीशंस को रोकने के लिए। दोस्तों जो अपडेट है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है वो बहुत ही जो है बुरी बात कही गई है, जो कि ये होना नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट है। डियर साथियों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अपडेट है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को जिस चीज़ से उम्मीद है उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स नहीं होंगे पक्के। तो दोस्तों ये जो बात कही गई है ये शिमला, ठीक है, ये शिमला में है, शिमला स्टेट की है। तो वहाँ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए, ये हर एक स्टेट के लिए नहीं है, ठीक है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस हैं। अगर बात की जाए उड़ीसा की, उड़ीसा में दोस्तों जो है जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं सभी को रेगुलर कैडर में शामिल कर दिया गया है और उनका बजट भी पेश हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, हर एक स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस हैं। ये केवल जो बात है शिमला की है। यहाँ पे स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियमित नहीं किया जाएगा, ठीक है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने विधानसभा में इनके नियमितीकरण को लेकर सवाल भी लगाया था। विधायक को भेजे गए जवाब में मंत्री ने बताया कि CHO की नियुक्ति आउटसोर्स और अनुबंध के आधार पर NHM में की जाती है, इन्हें नियमित करने का कोई विचार नहीं है। तो ये बात कही है दोस्तों। अब इनको कौन बताए कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एक विशेष कड़ी बन चुकी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जो कम्युनिटी लेवल पर इम्पोर्टेंट हो चुकी है। NHM बैच वाइज भर्ती दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो भी बात कही गई है। लेकिन मेरा ये कहना है सभी से कि दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स कितने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, जो विलेज लेवल पर डिजीज कंडीशन को रोकते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हर एक स्टेट इनकी प्रोग्रेस के लिए जो है योजना बना रहा है, अच्छी अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन इस स्टेट में ये बहुत बुरी न्यूज़ निकल के आई है, जो कि बहुत ही बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स दोस्तों हेल्थ विभाग में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कोविड में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वहाँ के इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में लें और अपनी एक यूनिटी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ध्यान में लीजिए और वहाँ से जो यूनिटी बना के कुछ ना कुछ वहाँ पे कीजिए, ठीक है। देखिए हर एक स्टेट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए महत्वपूर्ण योगदान उठाए जा रहे हैं। बात की जाए बिहार की, बात की जाए हरियाणा की, आपने जाना होगा उड़ीसा में, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों वहाँ पर कोई भी पद खाली नहीं है संविदा का, यानी कि संविदा का नाम ही हटा दिया गया है उड़ीसा से। तो इस प्रकार से हर एक स्टेट में अलग अलग गाइडलाइंस आ रही हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए हर एक स्टेट में जो है गुड न्यूज़ आने वाली है, जो कि यहाँ पर शिमला में दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई अलग स्टेट की गाइडलाइंस आएगी दोस्तों हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जितने भी अपडेट रहेंगे सब कुछ आपके पास भेजते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।